गॉड, क्या किया, क्या किया ये उल्लू के पत्थर बेवकूफ का बच्चा, क्या ये? तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं रोड पे चल रहा हूँ ना, साइड में चल रहा हूँ ना, देख के तुम्हें चलना चाहिए ना। अब मेरी गलती है, तू सिखाएगा कौन रोड पे गाड़ी चलाता है? हाँ दीदी रुक जाओ, ये क्यों मार रही हो उसे, एक बार सुन तो लो इसकी बात। दीदी रुक जाओ, अब बोल, अब तू सुन। ओए तूने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? ओह माय गॉड, तूने मुझे हाथ लगाया, हाउ डेयर यू? हो गया, ये जो जवाब था ना तुम्हारे थप्पड़ का था, और रही तुम्हारी गाड़ी चलाने का, तो उसका जवाब सुनो अब। उल्लू का पट्टा मैं नहीं, आंखों के अंदर तू है। और तू भाई कैसा है इसका, तेरी बहन आंखों की अंधी सड़क पे चल रही है, उसे चलाना भी नहीं आता गाड़ी, मुझे उठाने के बजाय थप्पड़ मार रही है, गाली दे रही है, गलौज कर रही है, क्या ये? और ऊपर से हाथों छोड़ रही है मेरे को। तूने मुझे हाथ कैसे लगाया गरीब आदमी, औकात क्या तेरी है? ओ मैडम, अमीर होंगे तो अपने घर के लिए, हमारे लिए नहीं, ठीक है ना? और हमें तुम्हारी अमीरी से कुछ लेन देन भी नहीं है, समझ में आया कुछ? वो सड़क छाप कीड़े मकोड़े, तेरे जैसे ना कीड़े मकोड़े रोज कुचलती हूँ मैं, समझा? दीदी मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, यहाँ से चलते हैं अब। तू चुप रहे, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ औकात क्या तेरी? अबे ओए, लड़की का हाथ कैसे पकड़ रहे तू? अरे तू है कौन, कहाँ से आए? आईडी निकाल अपना। देखा मैडम बात क्या है अभी बताइए। हम रोड पे जा रहे थे, हम साथी पंगे लेने लगा, हमारी गाड़ी के सामने जानबूझ कर आया जिससे कि हम रुके और हमसे पैसे ऐंठ सके, इन लोगों का तो काम ही यही है। हाँ भाई क्या बोल रही है मैडम? ओ भैया, लड़की के सामने ज्यादा अक्षय कुमार नहीं बनना है तुम्हें, ठीक है ना? जब तुम्हें बात पता नहीं ना तो बीच में आओ मत, पहले पूरी बात सुनो, हुआ क्या यहाँ पे? मैडम ने मुझे जमीन से उठाया और थप्पड़ पे थप्पड़ मारे ताकि वो अपनी गलती दबा सके। तूने नहीं मारे थप्पड़? हाँ हाँ मैंने मारे, लड़की को मारा। हाँ मारा है मैंने, अब सुनो मारा क्यों है। वो कहते हैं ना लड़का लड़की एक समान, ये जो मैडम निकली है ना अपनी बाप की गाड़ी लेके, इसके पास तो लाइसेंस भी नहीं होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, ऊपर से एक्सीडेंट और कर रही है। अगर मैं मर जाता ना तो मैडम गाड़ी लेके फरार हो जाती, यहाँ कोई मुझे देखने वाला नहीं मिलता और ना ही मैडम जी को पकड़ने वाला कोई। और क्या कह रही थी मुझे, गरीब आदमी। और पहली बात, मैं गरीब आदमी हूँ नहीं, अगर मैं गरीब हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है मेरे पास, राजपूत हम अपने गाँव के, और इन जैसों को तो नौकरियों पर रखते हम। चार इंग्लिश के सब क्या सीख लिए, मतलब हर किसी को गरीब को दबाने की बात रख लो, गांव के भले हो सीधे साधे दिखते हो, बुद्धू नहीं है इतने हम। अच्छा तो अब तू हमें समझाएगा कि कौन बुद्धू और कौन समझदार, ब्लडी इडियट। नहीं दीदी आप एक बार उसकी बात सुन लो, वो सही कह रहा है। दीदी वो तो आप गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सिस्टम सेट कर रही थी इसलिए उसको चोट लग गई और वो गिर गया। दीदी हमें तो उसे उठाना चाहिए था, और आप अपने फेंडर को देख के ही उससे लड़ने लग गई जबकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी। प्रवीण वो मेरा भाई है या उसका, ये सड़क छाप को तू जानता नहीं है, ये लोग नाटक करते हैं ताकि हम जैसे लोगों से पैसे ऐंठ सके। मैडम आप गलत बोल रही हैं, मुझे इसकी बात सुनकर और आपकी भाई की बात सुनकर भी यही लग रहा है कि आप ही की गलती है। आपके पास लाइसेंस है? हाँ अभी बनने दिया हुआ है, और लाइसेंस से क्या होता है, हा? गाड़ी चलानी आनी चाहिए, और बाय द वे तू कौन है जो मुझसे लाइसेंस मांगेगा? मैडम अपने दिमाग की एकड़ी ठंडी कर लो, तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो देख लिया आपने अक्षय कुमार जी, इस लड़की की बदतमीजी जी, ये वो लोग हैं किसी की लाश पे खड़े होकर खाना खा लेंगे, सो कॉल्ड अमीर, एंड आई नो बेटर देन यू। और साहब हम हिंदी भाषी हैं, हमें गर्व है हिंदी भाषी पे होने का, इन लोगों की तरह झूठी शान में नहीं जीते हम, अंग्रेज चलेगा और अपने अंग्रेजी यहाँ छोड़ गए। हो गया तेरा, कितने पैसे चाहिए तू बोल, तेरे मुंह पे मारती हूँ। और हाँ तू बता तेरे को कितने पैसे चाहिए, मुझे तो लगता है तू भी इसके साथ मिला हुआ है। अरे दीदी आप कर क्या रहे हो, क्यों तमाशा खड़े कर रहे हो ये सब, और किसी को तो छोड़ दो। हेलो मैडम बहुत हो गया आपका, ये पीछे सोसाइटी देख रहे हो, स्पेशल ऑफिसर्स की सोसाइटी है ये, और मैं हूँ एसीबी राणा, सेक्टर 7 द्वारका। अब मैडम आपकी गाड़ी भी अंदर जाएगी और आप भी, बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी आपने, एक तो नादान आदमी को चोट पहुँचाई, ऊपर से थप्पड़ मारा, रोड पे हरासमेंट किया, और मेरे से भी बदतमीजी की, तो अब आप अंदर चलने की तैयारी कर लो। आई एम सॉरी सर, सर मेरी गलती है, मैं मानती हूँ सर, मैं बहुत गुस्से में थी, मेरा माइंड आउट था उस समय, मेरे पापा से लड़ाई हुई थी, मेरे को पार्टी के लिए पैसे ही नहीं दे रहे थे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी सर, प्लीज। मैडम देखिए आपको एक ही शर्त पे छोड़ा जा सकता है, अगर ये आपको माफ कर दें तो। भैया हमें माफ कर दो, हमें देख के किसी को आइडिया नहीं लगाना चाहिए कि वो बड़ा या छोटा। हाँ भैया मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गुस्से में थी इसलिए मेरी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई। मुझे आपको सजा दिलाने का कुछ शौक नहीं है, मैं तो अपने रास्ते ही जा रहा था ना, लेकिन आपने मुझसे आके पंगा किया। मैडम मैं
ये भी नहीं चाहता कि आप दोनों स्टूडेंट हो ना और आपकी बाद में लाइफ खराब हो जाए। पढ़ने लिखने का जो दिन है ना वो आपको कॉलेज में होना चाहिए था, जेल में नहीं। जाओ मैडम, माफ किया तुम्हें। और आप भी क्या याद रखोगे कि किस राजपूत से तुम पढ़े।